इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क इस महीने के अंत में भारत आ रहे हैं। वो पहली बार भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी। मस्क ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर आशान्वित हूं। मस्क का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो अपनी दो कंपनियां टेस्ला और स्टारलिंक का काम भारत में शुरू करना चाहते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें बनाती है और स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। उम्मीद है कि मस्क भारत में 2 से 3 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि एलन मस्क भारत में निवेश करने के लिए इतने उतावले क्यों हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। भारतीय ग्राहक बेसब्री से टेस्ला कार का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है एलन मस्क भी भारत में टेस्ला लाने को बेताब है। एलन मस्क की नज़र बहुत समय से भारतीय बाजार पर थी। एलन मस्क ने सबसे पहले साल 2019 की शुरुआत में ही भारत में इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन एलन को हाई इंपोर्ट टैक्स को लेकर आपत्ति थी। भारत में EV पर इंपोर्ट टैक्स 100% था। मस्क इसमें रियायत चाहते थे, लेकिन भारत सरकार का साफ कहना था कि अगर टेस्ला भारत में कम से कम 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करे और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, तो रियायत के बारे में सोचा जा सकता है। भारत सरकार ने EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी, टैक्स 100 से घटाकर 15% कर दिया और इससे मस्क का भारत आने का रास्ता साफ हो गया। पिछले साल जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो वहां एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद जुलाई में टेस्ला कंपनी की तरफ से कहा गया कि वो $24,000 की कीमत वाली EV का उत्पादन करने के लिए भारत में कारखाना बनाने में रुचि रखते हैं। फिर ये पक्का हो गया कि टेस्ला भारत में प्लांट तैयार करने जा रही है। लेकिन भारत में कारोबार शुरू करने के लिए टेस्ला को एक लोकल पार्टनर की तलाश थी, और फिर रिलायंस का नाम सामने आया। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि टेस्ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर पर विचार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना पर काम कर सकती हैं। प्लांट के लिए संभावित जगहों में गुजरात और महाराष्ट्र के नाम थे, लेकिन महाराष्ट्र सबसे पसंदीदा जगह बताई जा रही है। भारत में टेस्ला के नए प्लांट के लिए जगह देखने टेस्ला के कुछ अधिकारी भारत आने वाले थे, लेकिन अब एलन मस्क खुद भारत आ रहे हैं। इस प्लांट के लिए लगभग $2 बिलियन के निवेश का ऐलान हो सकता है। अब जानते हैं कि एलन मस्क को भारत में दिलचस्पी क्यों है। दरअसल टेस्ला के भारत के बाजार में दिलचस्पी दिखाने की एक बड़ी वजह ये है कि अमेरिका और चाइना में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री अब घट रही है। टेस्ला की सेल में गिरावट दर्ज की गई है। सालाना कमाई भी पिछले 2 साल से घटी है। इस साल की पहली तिमाही में टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री में 8% की गिरावट आई है, जिससे एलन मस्क काफी परेशान हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन बहुत बड़े बाजार हैं। एक हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने में पूरी दुनिया से पीछे चल रहे हैं। वहां लोग अब भी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां ही चलाना पसंद करते हैं। EVs की संख्या अमेरिका में बहुत कम है। टेस्ला के भारत में दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल भारत में कारों के बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 6.8% हो गई। ये तब है जब दुनिया के केवल 32 देशों में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 5% से ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और उसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या 5% या उससे ज्यादा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब वहाँ के लोग इस बदलाव को अपना रहे हैं और वहाँ बदलाव तेजी से आएगा। एलन मस्क इसी बदलाव का फायदा उठाना चाहते हैं। अब समझते हैं कि टेस्ला के भारत आने से यहाँ क्या बदल जाएगा। भारत में टाटा, MG मोटर्स और महिंद्रा मुख्य तौर पर इलेक्ट्रिक कार कंपनियां हैं। पैसेंजर व्हीकल सेल में EV का सेगमेंट 2% ही है। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को मजबूत करना चाहता है। टेस्ला यूनिट लगाता है तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पंख लगेंगे। टेस्ला भारत में मॉडल 2 की कारें बनाएगा। इसकी कीमत 25 लाख रुपए के करीब हो सकती है। भारत में पहले से ई कारें बना रही कंपनियों के लिए कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा, लेकिन लोगों को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। कारों की क्वालिटी बेहतर होगी और कीमतें कम होंगी।
अभी भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं, उनमें 70.5% टाटा मोटर्स बनाती है। दूसरा नंबर 12.7% के साथ एमजी मोटर्स का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.7% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर आती है। इसके बाद हुंडई, बीवाईडी वगैरह का नाम आता है। ये तय है कि टेस्ला की एंट्री से भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार की तस्वीर बदलेगी। एलन मस्क का मकसद सिर्फ टेस्ला नहीं है, उनकी कंपनी स्टारलिंक भी 2022 से भारतीय सैटकॉम मार्केट में आने का सपना देख रही है, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से ऐसा हो नहीं सका। हालांकि 2023 में टेलीकॉम एक्ट पास होने से कुछ अड़चनें दूर जरूर हुई हैं। सरकार के मुताबिक स्टारलिंक को लाइसेंस देने का रास्ता अब साफ हो गया है, बस गृह मंत्रालय की मंजूरी बाकी है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री लगभग तय है। इससे लोगों को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट मिलेगा, जो बहुत तेज होगा। इसके अलावा स्पेसएक्स के लिए संभावनाएं हो सकती हैं। स्पेसएक्स सस्ती दरों पर स्पेस में सैटेलाइट भेजने का काम करती है। 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी आई। सरकार ने इस सेक्टर में एफडीआई नियमों को भी आसान बनाया है। ऐसे में भारत में स्पेसएक्स की एंट्री के रास्ते में भी कोई बड़ी अड़चन नहीं है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।